हेलो फ्रेंड्स, एसएसएम चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस क्या होता है और इसको क्वालिफाई करने के बाद करियर में क्या अपॉर्चुनिटी है आगे जाने की। तो ये सब जानने के लिए फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड बटन दबाकर नीचे का रेड बटन दबाएँ और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा यह होगा कि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा आपको इसकी जानकारी तुरंत मिल जाएगी और आप अपने नॉलेज में इंक्रीमेंट कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जामिनेशन जो होता है वो EPSC करवाती है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और यही वह UPSC है जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जामिनेशन भी करवाती है, जिसका शॉर्ट फॉर्म नाम है IAS। तो और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जो UPSC अपना एग्जाम करवाती है ना, तो वो अपने एग्जाम में एक पैटर्न जरूर रखती है GK और GS का। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस जो है में आपको अप्लाई करने के लिए आपको BTEC क्वालिफाई होना चाहिए और आपकी जो ब्रांच होनी चाहिए वो ये उन चार, मतलब जो BTEC में इन्हीं चार ब्रांचों के लिए ही अप्लीकेबल है फॉर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। मतलब अगर आप बीटेक में आपका यह चार ब्रांच है तभी आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बीटेक में आपका EC ब्रांच है जिसको इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बीटेक में आपका ME ब्रांच है जिसको मैकेनिकल करते हैं, तब पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिविल ब्रांच है देन यू कैन अप्लाई। उसी तरह आपका EC ब्रांच है यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच, तब अगेन यू कैन अप्लाई। मतलब इन चार ब्रांचों के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं, EC और सिविल ब्रांच, ME ब्रांच और EN ब्रांच जिसको इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी बोलते हैं। वो केवल चार ब्रांचों के लिए ही ये अप्लीकेबल है, रेस्ट ब्रांचों के लिए जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया आपका, फिर ये आपका डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, इस तरह के मतलब कि ब्रांचेस के लिए ये अप्लीकेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसके हम एज के बारे में बता दूं तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जामिनेशन देने के लिए आपकी उम्र 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए और साथ ही आपको BTEC पास होना चाहिए, जो मैंने चार अपना ब्रांचेस बताए हैं उन ब्रांचेस के अंतर्गत। और जो अगली बात है कि ये पेपर आप दो पार्ट में देते हैं, मान लीजिए जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का पेपर है दो पार्टों में होता है। पार्ट वन में क्या होता है कि आपको GK, GS, इंग्लिश इस तरह से चीज़ें पूछे जाएंगे और ये पूरे के पूरे 600 नंबर का होगा और ये ऑब्जेक्टिव होगा और मल्टीपल होगा। और वही पार्ट टू में क्या होगा कि आपको आपके ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि पूरे 400 नंबर का होगा और फिर 200 नंबर का पर्सनालिटी टेस्ट होता है, यानी कुल 200 को मिला दिए तो कुल 1200 मार्क्स हो गए। तो इतनी सारी चीज़ों को पार करने के बाद यू विल बी द पार्ट ऑफ द इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। तो ये बहुत ही अच्छा है अगर आप इसमें आपके देखिए आपका ज़्यादातर जो इंजीनियरिंग ब्रांच के लड़के हैं वो किस पार्ट वन में ही फेल हो जाते हैं। पार्ट वन में से फेल होने का मतलब वो स्कोर कम करते हैं क्योंकि भाई उसमें रहता है GK GS और लड़के GK GS में कमज़ोर होते हैं, खासकर इंजीनियरिंग ब्रांच के लड़के, क्योंकि वो उनका फोकस वो किए रहते हैं अपने इंजीनियरिंग स्ट्रीम पर, अपने किसी ब्रांच से। मान लीजिए किसी लड़के ने इसी ब्रांच से किया है तो उसने 4 साल इसी ब्रांच को ही पढ़ा है, अब वो डायरेक्ट जाकर इंडियन इंजीनियरिंग का सर्विस का एग्जामिनेशन देगा तो ठीक है, वो अपने ब्रांच में अच्छा कर लेगा। आई मीन टू टेल यू, मतलब वो अपने सेकेंड पेपर में जिसको सेक्शन 2 भी कहते हैं उसमें वो अच्छा कर लेगा, लेकिन जब GK GS का उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो फिर उसमें कैसे अच्छा करेगा। तो वही वीक पॉइंट हो जाता है और वहीं से लड़के क्या होते हैं, प्लग आउट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप फुली तैयारी करिए, आप GK GS आप पूरा अच्छा से पढ़िए। जनरल GS के बारे में अगर नहीं जान रहे हैं तो हम बता देते हैं कि GS में आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, आपको पॉलिटिकल साइंस और आपका इन्वायरमेंटल स्टडी, इस सबसे मिक्स होकर GS बनता है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको जानकारी पूर्ण हुई होगी क्योंकि इसमें आपको हर तरह से एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है और आप इसको अप्लाई कीजिए क्योंकि अप्लाई करने के बाद आपके करियर में बूम आ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का जॉब ऐसा है कि इसको मतलब अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 7 महारत्न कंपनियाँ जो भारत की हैं, जो सरकारी हैं, उसमें आपको जॉब मिल जाएगा। 7 महारत्न कंपनियाँ का मतलब हो गया ENTPC,
ONGC जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है, NTPC भी बहुत बड़ी कंपनी है, और NTPC, ONGC, गेल, भेल, सेल, इंडियन, IOC, कोल इंडिया, तो इस तरह से करके कुल 7 महारत्न कंपनियां, इनमें आपको जॉब मिल जाएंगे, फिर आपका करियर में उछाल आ जाएगा। 100,000 रुपए से ऊपर तो सैलरी आपको मिल ही जाती है इसमें, क्योंकि भाई इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस से जो पोस्टिंग होती है क्लास 1 रैंकिंग की पोस्टिंग होती है। तो फ्रेंड्स ये तो मतलब ये था, मैंने बता दिया कि भाई इसमें देखिए अगर आप रखते हैं तो उस मतलब क्वालिफाई करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आप अच्छे पोजीशन में चले आएंगे। तो मतलब कि अब 1,00,000 रुपए के ऊपर करीब करीब सैलरी रहती है, ऊपर से फिर एक्स्ट्रा आपको फैसिलिटी भी मिलता है, गाड़ी बंगला सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाता है, फिर और क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते, देखिए फ्रेंड्स इसमें कुछ बहुत हार्ड एग्जाम कुछ नहीं होता है, इसमें बस खाली आपको लेबोरियर वर्क चाहिए। ऐसा नहीं है भाई कि IIT के इंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरह बड़ी इसमें टेक्निकल लगाना रहता है या गेट एग्जामिनेशन की तरह इसमें बहुत ही ज़्यादा ब्रेन लगाना है, ये बस केवल लेबोरियस वर्क है। और अगर आप जितना ज़्यादा लेबर करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप इसमें कुछ सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्रेन लगाना है तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में बताएंगे कि ब्रेन लगाने वाला काम क्या है और कहाँ ब्रेन लगाना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे गेट के बारे में, जिसको ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग कहते हैं, जो कि जिसको क्वालिफाई करने के बाद लोग EMTECH करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था एक एग्जाम जिसको आपको खूब जम के लेबोरियस वर्क करना है, देन यू विल बी अप्लीकेबल फॉर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। लेकिन आगे वाले वीडियो में जो बताऊंगा उसमें जम के आपको ब्रेन वर्क करना है। तो फ्रेंड्स देखते रहिए SSM चैनल को और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपकी कोई भी जानकारी मिस ना हो और हर तरह से जानकारी आपको मिलती रहे इस चैनल से, और आप लाइफ में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।